Hello everybody and welcome back to the channel. I'm again back with part 3 of our chapter Body Fluids and Circulation, and in this video we will cover up human circulatory system and circulatory pathways. So without wasting any time, let's get started. If you haven't seen the part 1 and part 2 of this chapter, please description box mein link given hai, wahan se jaake aap in videos ko zarur dekhein taki aapko bahut acha benefit mil sake in sabhi videos ka. And one more thing, agar aap hamare channel par new ho to subscribe karna bilkul na bhule and bell icon ko zarur dabaye taki next time jab bhi hum koi video upload kare aapko notification mil jaye aur aap hamari koi bhi video miss na kare. Agar ye video pasand aati hai to like karna bilkul na bhule and share kare अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकती है. तो चलिए शुरू करते हैं, एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन होने वाला है ये. सबसे पहला है सर्कुलेटरी पाथवेज. नाउ सर्कुलेटरी पाथवेज जनरली होते क्या हैं, हम सबसे पहले ये जानेंगे. जैसा कि आपने देखा होगा कि आपके घर के अंदर आपके टैप में पानी कैसे आता है. आपके टैप के अंदर पानी आता है हमारे जो पाइप्स डले हुए हैं उनकी मदद से. और उन पाइप्स को कौन, उन पाइप्स के जरिए पानी कौन ऊपर भेजता है, मोटर. जो मोटर लगी होती है, जो पंप लगा हुआ होता है, वो हेल्प करती है कि पानी जो है नीचे ज़मीन से पानी ऊपर आकर उन पाइप के थ्रू कहाँ पे पहुँच सके, हमारे टैप तक, और हमें पानी इजीली मिल सके. वैसा ही सेम काम इन सर्कुलेटरी पाथवेज का होता है. इससे पहले हम पढ़ चुके हैं अबाउट ब्लड, अबाउट लिम्फ, ओके. तो इनके अंदर हमने क्या सीखा कि हमारी बॉडी के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हैं इन सब का काम करता है, जो कि है ब्लड. अब ब्लड जो है उसका हमारी बॉडी में बाकी सभी चीज़ों में, जैसे कि फूड को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए सर्कुलेटरी पाथवेज काम आते हैं, तो इन सभी में ब्लड को एक तरीके से ट्रांसपोर्ट करना ज़रूरी है. ब्लड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाना ज़रूरी है. तो ये कौन करता है, ये काम करते हैं सर्कुलेटरी पाथवेज, ओके. तो चलिए जानते हैं कि हमारे इस जो एनसीईआरटी है इसके अंदर क्या दिया हुआ है. द सर्कुलेटरी पैटर्न्स आर ऑफ टू टाइप्स. जो हमारी सर्कुलेटरी पैटर्न्स होते हैं यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो नलियाँ डली हुई हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है ओपन और एक होती है क्लोज्ड. नाउ व्हाट आर ओपन एंड व्हाट आर क्लोज्ड. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क के अंदर देखा जाता है, जहाँ पर जो ब्लड पंप किया गया है बाय हार्ट, चाहे हार्ट टू चेम्बर्ड हो, उसके अंदर जो भी ब्लड जो है पंप किया जाएगा हार्ट के थ्रू वो पूरा का पूरा पास होगा थ्रू लार्ज वेसल इनटू ओपन स्पेसेस. बहुत ही ओपन स्पेसेस होंगे पूरी बॉडी के अंदर एक तरीके से वो ट्रांसपोर्ट होगा, बट कोई पर्टिकुलर वहाँ पर नलियाँ नहीं बनी हुई होंगी, ठीक है. पूरी बॉडी के अंदर पंप होने के बाद एक बार में वो ट्रांसफ़र हो जाएगा. बट जो क्लोज टाइप का होता है उसके अंदर क्या होता है, इनटू द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम्स, जो कि कहाँ देखे जाते हैं, एनेलिड्स एंड कॉर्डेट्स, यानी कि हमारे अंदर भी कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. इनके अंदर ब्लड जो है वो पंप किया जाता है हार्ट के थ्रू, वो हमेशा सर्कुलेट होता है थ्रू अ क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. जो हमारी बॉडी के अंदर वेन्स प्रेजेंट हैं इन सब के थ्रू, जो हमारी नर्व्स प्रेजेंट हैं और हमारी वेन्स प्रेजेंट हैं इन सब के थ्रू, जो नलियाँ बनी हुई हैं हमारी बॉडी के अंदर उनके थ्रू हमारा जो ब्लड है वो पंप होता है. हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, और वो कैसे पहुंचेगी पंप होने के बाद, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड जब ब्लड हो जाएगा तो वो कैसे पहुंचेगा हमारी बॉडी पार्ट्स के थ्रू, सर्कुलेटरी पाथवेज के थ्रू, ओके. और वो किस तरीके का सर्कुलेटरी पाथवे होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. देन दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजियस एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड. अब आप जानते हो कि बायोलॉजी के अंदर आप अगर किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हो तो रेगुलेशन एक बहुत बड़ा वर्ड है. रेगुलेटेड का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम किसी भी जगह पर पानी ऐसे ही छोड़ दें तो वो इधर उधर फैल जाएगा, बट अगर हमें एक जगह से, समझ लो आपके घर से आपके नेबर के घर पे पानी पहुँचाना है, तो अगर आप उसको पाइप के थ्रू पहुँचाओगे तो ज़्यादा क्वांटिटी में और ज़्यादा जल्दी पानी पहुँचेगा. तो वही मतलब है यहाँ पर भी कि अगर आपकी बॉडी के अंदर वेसल्स प्रेजेंट हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा, ओपन स्पेसिस में ना पहुँच के ब्लड एक पर्टिकुलर पार्ट में पहुँचेगा, तो उसको हम बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस मान सकते हैं. यहाँ पर तीन तरीके के जो हमारे सर्कुलेटरी पाथवेज जो हैं यहाँ पे बने हुए हैं. फर्स्ट वन इज जो हमारा फिशेस के अंदर यूज़ होता है, जो कि होता है टू चेम्बर्ड हार्ट. देखिए तीन तरह के हार्ट हैं, ये है टू चेम्बर्ड, ठीक है, इसको हम ऐसे ले लेते हैं. दिस वन इज टू चेम्बर्ड, दिस वन इज थ्री चेम्बर्ड, एंड दिस वन इज़
फोर चेंबर्ड। अब आप देख सकते हो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसके अंदर आप देख रहे हो चेंबर, चेंबर क्या होते हैं जनरली, मैं आपको इजी वर्ड्स में समझाऊं, चेंबर होते हैं आपके मोटर, एक तरीके की मोटर होती है जो कि ब्लड को पंप करने के काम आती है। फर्स्ट वाला है सिंपल, जो कि एनालिट्स में देखने को मिलता है एंड मोलस्क में देखने को मिलता है, फिशेस के अंदर देखने को मिलता है जनरली, ठीक है। गिल कैपिलरीज होती है इनके पास, इनके अंदर जनरली काम कैसे होता है, सिंपल एक वेंट्रिकल होता है, एक एट्रियम होता है। बट जो थ्री चेंबर्ड हार्ट होता है वो लंग कैपिलरीज होती है, उनके अंदर एक आर्ट्रिया है एक वेंट्रिकल है, बट आर्ट्रिया और वेंट्रिकल दोनों सॉरी दो आर्ट्रिया है और एक वेंट्रिकल है। इसके अंदर आप ये देख सकते हो कि दोनों चीज़ें मिक्स हो रही हैं, यहाँ पर अगर ब्लड ऑक्सीजनेटेड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो यहाँ पर आकर, एक बार पेन ले लेते हैं, यहाँ पर आकर वो मिक्स हो जा रहा है, ठीक है। मिक्स हुआ इसका मतलब कोई फायदा नहीं हुआ ब्लड का डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड होने का, तो उसके अंदर की जो ऑक्सीजन है वो अगर डीऑक्सीजनेटेड हो गया है, निकल चुकी है, तो उसका काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, एक तरीके से पूरी अपनी एफिशिएंसी के साथ हेल्प नहीं कर पाएगा ब्लड जितनी की अगर वो यहाँ से मूव करेगा। देखिए अगर यहाँ से मूव किया है ब्लड हार्ट के थ्रू, यहाँ से इधर एक बार इधर आएगा, इधर से निकल कर वो इधर जाती है, ठीक है, उसके बाद इधर से आकर एक बार इधर आएगा, इधर वाले वेंट्रिकल में, देन आके वापस वो हार्ट की तरफ जाएगा। अगर आप मुझसे पूछो कि अगर एक आरबीसी है, वो आरबीसी अगर यहाँ से निकलती है, ठीक है, इस पॉइंट से निकलती है, तो वो आरबीसी कैसे निकलेगी, मैं इरेज कर देती हूँ एक बार इसको। डबल सर्कुलेशन आपने सुना होगा, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ये था सिंगल सर्कुलेशन की वो मूव करके एक बार के अंदर ख़त्म हो गया, बट जो हमारा फोर चेंबर्ड हार्ट होता है उसके अंदर डबल सर्कुलेशन कैसे होता है, आरबीसी अगर यहाँ से चलना स्टार्ट हुई है तो वो यहाँ से जाएगी, इधर पाथवे है उसका, वो एक बार तो इस आर्ट्रिया में आएगी, उसके बाद वो वापस मूव करेगी और वो कहाँ जाएगी, हमारे हार्ट के पास, फिर वो एक तरीके से ऑक्सीजनेटेड होगी, देन वो पहुँचेगी वापस इस वाले आर्ट्रिया के पास, आर्ट्रिया के पास पहुंचने के बाद वो नीचे पहुंचेगी वेंट्रिकल के थ्रू, कहाँ पर, बॉडी कैपिलरीज के अंदर। तो आपने देखा कि हार्ट के अंदर वो दो बार आई, ठीक है, हार्ट के अंदर आरबीसी दो बार आई, दैट्स द मेन रीजन, दो बार उसको मूव करना पड़ा, इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा दोनों के बीच में डिफरेंस। ऑल वर्टिब्रेट्स पोजेस अ मस्कुलर चेंबर्ड हार्ट, इसका मतलब क्या हुआ, सारे वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनके पास जो उनका हार्ट होता है वो किसका बना हुआ होता है, मसल का बना हुआ होता है, दैट्स वाई इसको बोला गया है मस्कुलर चेंबर्ड हार्ट। फिशेज हैव, अब हम जानेंगे पहले फिशेज के बारे में, फिशेज जो हैं उनके पास टू चेंबर्ड हार्ट होता है जिसके अंदर एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है, जबकि जो हमारी एम्फीबियंस हैं उनके पास, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के पास थ्री चेंबर्ड हार्ट होता है। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है कि क्रोकोडाइल्स के पास कैसा हार्ट होता है, क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल के अंदर आता है, बट उसके पास जो हमारा हार्ट है, यानी कि उसके पास जो हार्ट है वो होता है फोर चेंबर्ड हार्ट। क्रोकोडाइल्स जो हैं वो डायनासोर्स के ज़माने से हैं, बट उन्होंने अपने आप को एज़ कम्पेयर टू अदर रेप्टाइल्स इतना अच्छे से इवॉल्व किया है कि वो अब फोर चेंबर्ड हार्ट के साथ हैं और वो पूरे इन्वायरमेंट में इजीली इवॉल्व कर पाए हैं। ओके, सो यहाँ पर मेन यहाँ पर डिफरेंस बताना चाहूँगी कि सभी रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस के पास थ्री चेंबर्ड हार्ट होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के पास कैसा हार्ट होता है, फोर चेंबर्ड, ठीक है। जो हमारे एम्फीबियंस हैं रेप्टाइल्स हैं उनके पास कैसा हार्ट होता है, थ्री चेंबर्ड हार्ट होता है जिसके अंदर दो तो एट्रिया होती हैं एंड एक सिंगल वेंट्रिकल होता है, जबकि क्रोकोडाइल जो है, बर्ड्स जो हैं और मैमल्स जिसमें कि हम भी आते हैं मैमल्स, उनके पास फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसके अंदर दो तो एट्रिया होती हैं एंड दो वेंट्रिकल्स होती हैं। अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में जानेंगे, पहले फिशेज के बारे में, फिर एम्फीबियंस के बारे में, फिर मैमल्स के बारे में। फिशेज के अंदर जो हार्ट होता है वो पंप आउट होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू, ठीक है, जो कि बाद में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। कौन ऑक्सीजनेट करता है उनको, गिल्स, एंड सप्लाई टू द बॉडी पार्ट्स फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट, जिसका मतलब हुआ सिंगल सर्कुलेशन। जाना आपने, साइकिल बना लो एक तरीके से कि फिशेज के अंदर जहाँ पर टू चेंबर्ड हार्ट है, सबसे पहले जो हमारा हार्ट है, हार्ट पंप आउट करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो कि क्या बन जाएगा, गिल्स के थ्रू जब वो निकलेगा, गिल्स से होता हुआ निकलेगा, तो वो हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वो सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचा, सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचा, क्या हुआ उसका, वहाँ पे उसको डीऑक्सीजनेट किया गया, ब्लड डीऑक्सीजनेट हो गया और वो रिटर्न हो गया, कहाँ पहुँचा, हमारे
हार्ट में, फिशेज के हार्ट में, हमारे हार्ट में नहीं, हम तो मैमल्स हैं, फिशेज के हार्ट में ये हुआ सिंगल सर्कुलेशन। ओके, अब आते हैं एम्फीबियंस के पास एंड रेप्टाइल्स के पास। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के अंदर क्या होता है कि जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ से, चाहे वो गिल्स हों, चाहे वो लंग्स हों या स्किन के थ्रू, उसने रिसीव किया लेफ्ट एट्रियम ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और जो राइट एट्रियम है, हमने पढ़ा था दो एट्रियम होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है, राइट एट्रियम क्या करेगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगा, कहाँ से, जो बाकी के बॉडी पार्ट्स हैं। ठीक है, राइट एट्रियम ने क्या किया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट किया कहाँ से, अदर बॉडी पार्ट से। एंड जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है उसने क्या किया, सिंगल सर्कुलेशन, सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक तरीके से रिसीव किया, कहाँ से, गिल्स, लंग्स या स्किन से। हाउएवर दे गेट मिक्स्ड अप इन द सिंगल वेंट्रिकल विच पम्प्स आउट मिक्स्ड ब्लड। ये क्या करता है, जनरली थ्री चेम्बर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अलग अलग ब्लड होने के बावजूद भी वो एक पॉइंट पे आके मिक्स हो जाता है। ठीक है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हुआ यहाँ पर, इसलिए इनको थ्री चेम्बर्ड हार्ट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही मिक्स हो जाते हैं एक सिंगल पॉइंट पे आके। इन बर्ड्स एंड मैमल, बर्ड्स और मैमल यानी कि हमारी बात करते हैं और बर्ड्स की बात कर रहे हैं, इनके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिसीव किया जाता है बाय लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन रिसीव करता है, लेफ्ट एट्रियम, एंड राइट जो सॉरी राइट एट्रियम है वो क्या रिसीव करता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन ये कहाँ से पास होता है, इट पासिस ऑन टू द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड, जो राइट के अंदर था वो राइट वेंट्रिकल के थ्रू पास होगा एंड जो लेफ्ट एट्रियम के अंदर था वो लेफ्ट एट्रियम के थ्रू पास होगा। देन द वेंट्रिकल्स पंप इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग अप। अब अगर आपने देखा हो कि थ्री चेम्बर्ड में वो मिक्स हो गया था जब वो दोनों राइट और लेफ्ट से एट्रियम से बाहर निकले थे, तो वो एक वेंट्रिकल में जाके पहुंचे थे सिंगल में, तो वो मिक्स हो गया था। बट यहाँ पे क्या है, दो एट्रियम है तो दो वेंट्रिकल भी प्रेजेंट है, दैट्स वाई इट्स फोर चेम्बर्ड हार्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ब्लड जो है वो मिक्सअप नहीं हुआ, डीऑक्सीजनेटेड अलग है और ऑक्सीजनेटेड अलग है, टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज बने यहाँ पर ऑर्गेनिज्म के अंदर। हैंस दीज एनिमल्स हैव डबल सर्कुलेशन, क्योंकि दो डिफरेंट पाथवेज क्यों बने, क्योंकि इनके अंदर डबल सर्कुलेशन देखा गया है। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आई गेस हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना चाहिए, बिकॉज आपके लिए अभी जानना ज़रूरी है कि हम किस तरह से सर्कुलेटरी पाथवेज को पढ़े, सर्कुलेशन सिस्टम को पढ़े। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, बहुत अच्छी वीडियो आई होप बनी है ये, जितना हो सकता था मैंने एक्सप्लेन किया है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और कमेंट करिए कि आपको कहाँ पर दिक्कत हुई या फिर कहीं दिक्कत नहीं हुई है तो भी मुझे बताइए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे सुनकर। एंड शेयर करिए अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकती है तो, और आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, बिकॉज आई होप अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो आपके फ्रेंड्स भी आई होप इसी फील्ड में होंगे, इसी क्लास में होंगे, यही सब्जेक्ट वो भी पढ़ते होंगे, तो उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।